हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अकाउंटिंग वर्क और टैक्सेशन वर्क में फर्क क्या होता है, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में फर्क क्या होता है और अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशल उन फ्रेशर स्टूडेंट्स और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है जो स्टूडेंट ये सब कहते हैं कि हमें गोल्डन रूल्स याद नहीं रहते। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे भी अब तो हमें भी गोल्डन रूल्स याद होने लग गए हैं। तो अगर आपने इस हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलो चलते हैं आज हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइज, हम शुरुआत में तो केवल अकाउंटिंग वर्क ही सीखते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे टैक्सेशन वर्क की जिम्मेवारियां भी हमें ही संभालनी पड़ती है। तो गाइज, एक परफेक्ट और प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए हमें अकाउंट और टैक्सेशन फील्ड में अच्छी कमांड बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइज, अकाउंटिंग वर्क क्या होता है और टैक्सेशन वर्क क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। गाइज, अकाउंटिंग वर्क के अंदर हमारा बिजनेस की जो रूटीन की जो ट्रांजेक्शन होती है, रूटीन की ट्रांजेक्शन में से जैसे आज हमने हमारे बिजनेस के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन करी है, आज हमने कितने रुपए का सामान खरीदा, कितने रुपए का सामान हमने बेचा है, कितने लोगों को आज हमने भुगतान किए हैं, कितने लोगों के पैसे हमारे पास आए हैं, कितने लोगों को चेक दिए हैं, कितने लोगों से चेक आए हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितनी करी है और हमने पूरे दिन के दौरान आज कितने खर्चे करे हैं, तो इन सभी की डे बुक के अंदर एंट्रियां करना। उसके बाद शाम को स्टॉक रजिस्टर को भी मेंटेन करना होता है, आज हमने टोटल सामान कितना परचेज हुआ, कितना हमारा सामान सेल हुआ, कितना शेष राशि स्टॉक का बचा हुआ है। तो गाइस, ये सब अकाउंटिंग वर्क में मेंटेन होता है। तो गाइस, अब हम बात करते हैं टैक्सेशन वर्क की। तो गाइस, टैक्सेशन वर्क में क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट संबंधित जो भी लाइबिलिटीज हमारी होती है, जैसे अगर हम मंथ एंड पे जीएसटी रिटर्न तैयार करना, अगर आपका कोई टैक्स का कोई आउटपुट बनता है तो हमें टाइमली गवर्नमेंट को डिपोजिट करवाना, टीडीएस क्या चीज है, इनकम टैक्स क्या चीज है। तो गाइस, ये सभी जो टैक्सेशन संबंधित जो भी वर्क होता है हमारा, ये हमारा अकाउंटिंग टैक्सेशन के अंदर कवर होता है। तो गाइस, अभी मैं टैक्सेशन के ज्यादा में टेक्निकल मैटर पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक नई चीज हो जाएगी, तो हम इस पे आगे बात करेंगे। तो गाइस, हम शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग की। तो गाइस, हम हमारे बिजनेस के अंदर हम दो तरीके से अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसमें एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग और एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो गाइज, इन दोनों में फर्क क्या होता है मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। तो गाइज, अगर जब हम मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तो इसके अंदर 100% वर्क हमें हमारे हाथों से ही करना पड़ता है। जैसे अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको सेल्स इनवॉइस भी हमें बना के देना पड़ेगा, अगर कोई कस्टमर हमें कोई पेमेंट वगैरह दे के जाएगा नकदी तो उसकी रिसिप्ट वगैरह भी हमें देनी पड़ेगी, डे बुक वगैरह भी हमें तैयार करनी पड़ेगी, लेजर में एंट्रियां भी हमें करनी पड़ेगी, उस लेजर का टोटल वगैरह भी हमें करना पड़ेगा, स्टॉक रजिस्टर भी खुद को मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्सेशन संबंधी जितना भी काम होता है जीएसटी इनकम टीडीएस वगैरह उस सभी का काम भी हमें हमारी मैनुअल बुक्स को देख के ही करना पड़ेगा। तो गाइस, इसके अंदर 100% हमको हमारा माइंड ही यूज करना पड़ता है। रही बात कंप्यूटर एड अकाउंटिंग की, तो कंप्यूटर एड अकाउंटिंग में जब ये अकाउंटिंग वर्क जो हमने मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं उसी अकाउंट्स को उन्हीं वाउचरों को जब हम कंप्यूटर पे करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी कंप्यूटर एड अकाउंटिंग बन जाती है। जैसे किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टेली बीजी मार्ग वगैरह किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो गाइज, अब फर्क देखते हैं मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर एड अकाउंटिंग में फर्क क्या होता है। तो गाइज, जब मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर जब वर्क करता है तो उसके अंदर 100% मेहनत एक मुनीम की लगती है, एक अकाउंटेंट की लगती है, और जब वही काम हम कंप्यूटराइज्ड पे करते हैं तो अकाउंटेंट की मेहनत मात्र 10% की रह जाती है और जो डिफरेंस 90% वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ही वर्क पूरा कर देता है। तो गाइस, अब आपके मन में भी इसी चीज का सवाल आ रहा होगा भी जब हमें कंप्यूटराइज्ड के अंदर हमारी मेहनत सिर्फ 10% की लगती है तो हमें मैनुअली अकाउंटिंग क्यों सीखनी चाहिए, हमें तो केवल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखनी चाहिए, हमें तो डायरेक्ट टेली या बीजी सीखने में फायदा है। तो गाइस, अब यहाँ पे भी एक चीज क्लियर कर दूं भी डायरेक्टली टेलीविजी क्यों नहीं सीखना चाहिए, मैनुअल अकाउंटिंग कंपलसरी क्यों है, आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। गाइस, आपके सामने मैं कुछ एक एग्जांपल रख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए आज हमने किसी कंप्यूटर को या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से या किसी भी सिस्टम से अंदर हमने एक क्वेश्चन पूछा, भी क्वेश्चन के अंदर क्या आया हमारा भी, आज हमने कंप्यूटर को पूछा भी 10 + 2 = तो अब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो सभी को पता है भी 12 आएगा।
यानी कि 12 आएगा, क्योंकि गाइज हमने इसका माइंड में पहले प्रिपेयर थे, अगर हमारा रिजल्ट है 12 आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। अगर गाइज हमको खुद को भी नहीं पता 10+2 कितने होते हैं, तो गाइज हमें कंप्यूटर कुछ भी रिपोर्ट दे सकता है, हमें उसको मानना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज करो मैंने कंप्यूटर से ये चीज पूछा 10+2=8, तो गाइज अब आपको कि 10+2 पहले दोबारा लिख रखे और 8 लिख दिया। तो गाइज यहां पे क्या होता है, इसी टाइप की गलती हमारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से हमारे द्वारा हो जाती है। अब कैसे होती है, अब हमने क्या किया था, कंप्यूटर से पूछना था 10+2 और हमारे दिमाग में प्रिपेयर था कि हमारा रिजल्ट 12 ही आना चाहिए। अब यहां में हमने क्या किया, हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी, हमारी लापरवाही की वजह से हमने 10+2 करना था, उसके बजाय हमने हमारी उंगली ने प्लस के बटन की बजाय हमने उसको माइनस के बटन को प्रेस कर दिया। तो गाइस सिस्टम तो अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करेगा, वो तो ये समझेगा भी आप 10 में से 2 घटा के पूछना चाह रहे हो, तो सिस्टम 8 दिखा देगा। तो गाइस यहां पे इन चीजों में प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है, अगर आपको नहीं पता अभी 10+2 कितने होते हैं, 12 होते हैं या 8 होते हैं, तो गाइस हमें बहुत आगे परेशानी होगी, आगे हमारा सारा वर्क, सारा टोटल अकाउंटिंग वर्क गलत हो जाता है। तो गाइज इसलिए पहले कब जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे तो उससे पहले हमारा अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग बेस मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसी क्लियर की चीज करें तो हमारा रिपोर्ट हमें को पता 12 या 12 के अलावा का जो भी आएगा वो गलत होगा। अगर अब हमें को पता था जल्दबाजी में, चलो हमने गलती से बटन माइनस का प्रेस कर भी दिया, तो सिस्टम तो 8 के जनरेट दिखा दिया, रिजल्ट इसका 8 दिखा दिया, तब हमको पता चलेगा भी हमारा रिजल्ट तो 12 आना चाहिए था, हमारे से कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है, तो हम उसको दोबारा वापस से रिपीट करेंगे तो हमारी गलतियां जो सही हो जाएगी। तो गाइस हमें पता होना पहले बहुत ही जरूरी है। अगर इसी का एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, जैसे सपोज करो आपने किसी मोबाइल से, अपने मोबाइल में से आप किसी को नंबर डायल कर रहे हो राम कुमार को, और आपने जल्दबाजी के अंदर राम सिंह को डायल कर दिया, तो गाइस इसमें गलती किसकी है, मोबाइल की है या मोबाइल ऑपरेटर की है? तो जैसी बात है भी गलती मोबाइल ऑपरेटर की है, क्योंकि उसने जल्दबाजी के अंदर नाम न देखते हुए राम कुमार की बजाय राम सिंह को ही डायल कर दिया, तो जैसे आपने सिस्टम को कमांड दी उसने उसको रिजल्ट दे दिया। तो गाइस किसी भी चीज को करने से पहले, कोई भी जब हम वर्क करते हैं तो उस वर्क करने से पहले में उस वर्क के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से होनी बहुत ही जरूरी है। तो ये मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था भी, आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखने से पहले, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग करना सीखना बहुत ही जरूरी है, उसकी जानकारी अच्छी तरीके से हमें होनी जरूरी है। तो गाइस अब हम बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग की अगले स्टेप की, हम पहला स्टेप शुरू करने जा रहे हैं हमारा। तो गाइज जब हम पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग का, तो इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर ये दो नाम बहुत ही कंपलसरी होते हैं, आपने सुना भी होगा, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि गाइज जब हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो इन दो शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसके बगैर आपकी अकाउंटिंग अधूरी है। तो गाइज अब इस एक चीज मैं बता दूं, अब यहां से हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसको शुरू करने जा रहे हैं। अगर गाइज इस मेरी इस वीडियो को अगर कोई भी प्रोफेशनल या कोई अकाउंटेंट लोग इसको देख रहे हैं तो प्लीज इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बनाई है। तो गाइज शुरू करते हैं इनका, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कैसे इनका यूज में किया जाता है, आगे बात करेंगे। गाइज अभी इसमें टाइप की बात करेंगे हमारे बिजनेस की, हमारे बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, तो बिजनेस अलग ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विस ब्रोकर कमीशन एजेंट्स, अलग अलग काफी टाइप के बिजनेस होते हैं। तो गाइस सभी के अंदर डेबिट और क्रेडिट्स के रूल है जो सभी में ही सेम ही होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता, आपका बिजनेस है या अलग टाइप का हो सकता है लेकिन डेबिट क्रेडिट सेम रहेंगे सभी के अंदर, उसका रूल आपको सभी के अंदर बराबर ही फॉलो करना होता है। तो गाइस ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जो हमारा जैसे हमने कोई भी रेडीमेड गुड्स परचेज किया और उसको AGTG बेच दिया, जैसे हमने 5 रुपए का पेन खरीदा और उसको 10 रुपए में बेच दिया, तो वो हमारा ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर कवर होता है। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के अंदर जो चीज हम बेच रहे हैं वो चीज हम खरीदते नहीं है, बल्कि उस चीज को बनने वाले जो उसके रॉ मटेरियल होते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो परचेज करते हैं, उसको हम फिर हमारी फैक्ट्री के अंदर उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, फिर उसका फिनिश गुड तैयार करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। अब सर्विसेज में जैसे डॉक्टर हो गए, कोई हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज, ट्रस्ट, स्कूल वगैरह जो हो गए, ये सारे सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे। ब्रोकरेज वगैरह कमीशन एजेंट से जो हमारे जो दान मंडी के अंदर जो मतलब व्यापारी होते हैं, जो
अर्थ के व्यापारी जिनको हम बोल देते हैं उनको कमीशन एजेंट भी बोलते हैं। तो अलग 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 टाइप के बिजनेस हो सकता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट के रूल आपको दिमाग में रहने चाहिए, ये सभी बिजनेस के लिए लागू होते हैं गाइस। तो अब हमारे टाइप ऑफ अकाउंट्स इन बिजनेस, हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पूरे जो भी वर्ड है उसके अंदर तीन तरीके के अकाउंट को रखा गया है। उसमें एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, एक होता है रियल अकाउंट्स, एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। तो गाइज इन तीनों के बेस पे डेबिट क्रेडिट तय होते हैं। हमें पर्सनल अकाउंट क्या चीज होता है, रियल अकाउंट्स की परिभाषा क्या है और नॉमिनल अकाउंट्स की परिभाषा क्या है। तो गाइज अभी हम इस पे ज्यादा बात नहीं करें क्योंकि इस चीज के अगर हमें करें तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, इसके हम मैटर बाद में बात करेंगे जब इसके हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो वैसे आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या चीज होती है, जिन लोगों को हम सामान बेचते हैं या जिन दुकानदार या जिस कंपनी जिस फर्म से हम सामान खरीदते हैं वो हमारे सारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कवर होते हैं। और रियल अकाउंट्स के अंदर जो हमारे बिजनेस के जो वास्तविक खाते होते हैं, सामान को खरीदना, सामान को बेचना, पैसा का आना, पैसे का जाना, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, ये इस टाइप के खाते जो रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो हमारे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं और हमारी बिजनेस की जो इनकम होती है। अब खर्चे आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपने कोई दुकान का किराया दे दिया, बिजली का बिल भर दिया, टेलीफोन का बिल भर दिया, मोटरसाइकिल में पेट्रोल के खर्चे, मोबाइल के खर्चे, जो भी आपके खर्चे हैं सैलरी वगैरह के, बैंक का ब्याज हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया या बैंक चार्जेज हो गए, ये सब आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं। तो इन सभी को नॉमिनल अकाउंट्स में रखेंगे। चलो इस मैटर पे भी हम आगे वाले स्टेप पे बात करेंगे। तो गाइज अब मेन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स। अब अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हमें क्या समझते हैं, अगर जैसे आपको सिर्फ अभी आपको कुछ नहीं समझना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने फर्स्ट टाइम डेबिट और क्रेडिट को अगर आप फेस कर रहे हो तो प्लीज आप इस वीडियो को देखते रहिए आराम से, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टेप टू स्टेप बिल्कुल जीरो लेवल से सारा समझाने जा रहा हूँ गाइस। स्किप कर दोगे तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो गाइज ये अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या कुछ स्टूडेंट है जो अभी सीख रहे हैं तो कृपया उन पे देखो, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इजिली लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया हुआ है, क्योंकि जो एज पर हमने बुक्स में पढ़ाते हैं वो भी सेम ही लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज इस टाइप की लिखी होती है जो एक नॉन कमर्शियल स्टूडेंट को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो गाइज इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है भी जब पैसा या सामान हमारे व्यापार या फर्म दुकान में आता है तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो गाइज हम शुरुआत करेंगे हमारे बिजनेस की ट्रेडिंग अकाउंट से, यानी ट्रेडिंग बिजनेस से हम शुरुआत करेंगे। अब ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या चीज आता है हमारा, जिसके अंदर अभी आपको मैंने बताया था जहां पे सिर्फ सामान खरीद के और सामान बेचा जाता है। तो गाइज अब एक चीज तो होती है, जब हम ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो हमारे व्यापार के अंदर और पैसा सामान बहुत ही जरूरी है। अब इसका रूल क्या कहते हैं, जब पैसा या सामान हमारे व्यापार में आता है, अब व्यापार आपका किसी भी चीज का हो सकता है, चाहे आपका कपड़े का हो सकता है, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, आपका किराने का हो सकता है, आपका कोई स्टोर हो सकता है, किसी भी टाइप का आपका व्यापार हो सकता है। तो गाइज अब इसमें देखो यहां पे पैसा और सामान, अब सामान की भी परिभाषा यहां पे क्या होती है, अब सामान भी आपका ये हमारे व्यापार पे डिपेंड करता है भी आपका व्यापार किस चीज का है। मान लीजिए आपका व्यापार किराने का है तो आपके व्यापार में जो गुड़ चीनी चावल मिर्च मसाला जो भी सामान आपने बेचने के लिए खरीद रखा है वो आपके लिए सामान है। अगर आपका व्यापार मेडिकल का है तो मेडिकल में जो आपने दवाइयां खरीद रखी है बेचने के लिए वो आपके लिए सामान है। अगर आपका व्यापार कपड़े का है तो आपने जो कपड़ा खरीद रखा है बेचने के लिए आपके लिए तो वो सामान है। तो जब पैसा या सामान हमारे व्यापार में आता है तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो फिर पैसा उधार पैसा या सामान देने वाले व्यक्ति या दुकानदार को क्रेडिट करेंगे। गाइज अब एक चीज हो जाए भी पैसा और सामान, अब देखो पैसा हमारे बिजनेस में दो तरीके से आता है, कौन कौन से तरीका हो गया, एक तो आता है हमारे पास है, जब हम किसी को नगद सेल करते हैं तब आता है कैश सेल में, और एक हमारे पास पैसा आने का कारण होता है भी जब हमने जैसे सपोज करो किसी को सामान उधार बेचा होता जब उसकी पेमेंट हमारे पास आती है, जिसको हम हमारी भाषा में उधारी बोल देते हैं या उगराई बोल देते हैं हम, तब हमारे पास पैसा आता है। और सामान हमारी दुकान में कब आता है, जब हम परचेज करके लाएंगे तब आएगा। तो गाइज अब एक चीज तो के लिए भी पैसा दो तरीके से आना है, एक तो जब हम नगद सामान बेचेंगे तब आता है, या जब हमें किसी को गाइज अभी तक सिर्फ हम दो ही चीज रूल्स की बात करेंगे, कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, अभी नॉमिनल अकाउंट की भी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से खर्चों की एंट्री जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी बात करेंगे, हम बिल्कुल आपके जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको मैं। तो फिर उधार पैसा या सामान देने वाले व्यक्ति या दुकानदार को क्रेडिट करेंगे, यानी उसके जमा करेंगे। तो गाइज जब पैसा और सामान हमारे पास तभी आएगा जब हमारे को कोई देने वाले को सामान ये तो हमारे पास नगद आएगा या उधार आएगा। तो गाइज ये पॉइंट एक साथ रहेंगे, और उसके बाद तीन और चार नंबर पॉइंट है
ये साथ रहेंगे। अब इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, वे जब पैसा या सामान हमारे व्यापार दुकान फर्म कंपनी से जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो गाइज अब एक नंबर पॉइंट तो ये था भी जब पैसा या सामान हमारी दुकान में आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और यहाँ पे जब लिखा भी पैसा या सामान हमारी दुकान से जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अब चार नंबर पॉइंट ये कहता है कि उधार पैसा या सामान लेने वाले व्यक्ति या दुकानदार को डेबिट करेंगे। तो गाइज हमारी दुकान से भी देखो सामान या पैसा तभी जाएगा जब हमारे से कोई लेने वाला होगा। ये सामान हमारी दुकान से दो ही कंडीशन में जाएगा, या तो उधार जाएगा या नगद जाएगा। उधार जाएगा तो उधार लेने वाले को डेबिट कर देंगे, नगद जाएगा तो पैसा आ रहा है तो पैसे कैश को डेबिट कर देंगे। इसका रूल भी हमें आगे वाले पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे गाइज, इसको अच्छी तरीके से जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब समझेंगे इसको। गाइज आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सुधार कर सकूं। और अभी तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो गाइज क्योंकि अभी तक आपने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, सिर्फ हमने एक बार रूल पढ़े हैं, इसके ओरिजिनलिटी हमें जब इसका प्रैक्टिकली करेंगे तब हमारे समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी से अभी गाइज हमने अभी तक इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल तो इसका अभी बाकी है। तो गाइज अगर आपको ये थोड़ी सी लैंग्वेज अगर आपको टफ लग रही है तो मैंने इसी को एक सिंपल से एक मतलब रूल को उसी को एक आसान भाषा में बनाने की कोशिश करी है। आसान भाषा के मीन्स मतलब क्या हो गया, तो गाइज इसके अंदर देखो ये दो चीज आ जाएगी भी हमारे बिजनेस के अंदर, ये क्या आएंगे कि सामान और नकदी। एक बार सिर्फ हमें इसी दो मैटर पे बात करेंगे। देखो गाइज सामान, अब सामान का जिक्र आपके पास कब होएगा, या तो आपकी दुकान में आ रहा होगा तब होएगा, या आपकी दुकान से जा रहे तब होएगा। यही बात पैसे की होगी भी पैसे का जिक्र कब होएगा, या तो आपकी दुकान में आ रहा होगा तब होएगा, या आपकी दुकान से जा रहा होगा तब होएगा। तो इसमें लिखा है भी सामान अगर दुकान में आएगा डेबिट होएगा, भी पैसा भी अगर हमारे व्यापार में आता है तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब सीधा सा रूल हो गया, जब भी पैसा और सामान अगर हमारे व्यापार में आएगा तो डेबिट होता है, और पैसा या सामान हमारी दुकान से अगर जाता है तो क्रेडिट होता है। अब ये उधार है कि नगद है ये बाद में बात कर देंगे अपने इसके। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनी का मैटर, अब कंपनी मतलब दुकानदार जिसे हम सामान खरीदते हैं। अब देखो पैसा या सामान अगर हमें उधार दे रहे हैं तो हम उसके क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे लिखा है कस्टमर को, तो कस्टमर की परिभाषा में ये लिखे भी अगर हमसे वो पैसा या सामान उधार ले रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो गाइज अब एक चीज तो होती है, जैसे सपोज करो हमने कोई नगद सामान खरीद लिया तो सामान हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब पैसा जा रहा है, अभी डेबिट क्रेडिट तो ये हो जाएंगे। अब ये कहानी सपोज करो जैसे हमने कोई सामान उधार खरीदा है, तो गाइज सामान अगर नगद खरीदने तो भी हमारे व्यापार में आ रहा है, उधार खरीदेंगे तो भी आ रहा है, तो उधार की कंडीशन में हम क्या करेंगे, देने वाले को क्रेडिट कर देंगे। यही कहानी हमारी सामान सेल के वक्त होगी, या सेल हम दो ही कंडीशन बेचते हैं, या तो उधार बिकेगा या नगद बिकेगा। अगर हम नगद बेचते हैं तो सामान दुकान से जा रहा है और पैसा आ रहा है, एक चीज क्रेडिट हो जाएगी एक चीज डेबिट हो जाएगी। अगर ये सवाल अगर हमारा हम उधार बेचते हैं तो उधार की कंडीशन में तो भी हमारी दुकान में से सामान तो जा ही रहा है, तो उस कंडीशन में हम उधार लेने वाले को डेबिट कर देंगे। गाइस हर लाइन में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। अब इसको हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल के जरिए। गाइस अब हमने इसके अंदर कुछ अकाउंटिंग के मैंने पॉइंट लिख रखे हैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए। तो गाइस इसके अंदर देखो मैंने कुछ एक वर्डिंग लिखी हुई है, इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है भी राजेश कुमार ने 5/4/2020 को किराना का नया व्यापार शुरू किया है, उसने मतलब उसने बिजनेस अभी शुरुआत करी है, और उसने अपने फर्म का नाम रखा है श्री श्याम ट्रेडर्स। मतलब श्री श्याम ट्रेडर्स क्या हो गया, उस फर्म का उस कंपनी का उस दुकान का नाम है जो बाहर उसके फ्लेक्स बोर्ड पे लिखा होगा, या उस नाम से उसकी बिल बुक होगी, या जिस नाम से उसका बैंक में अकाउंट होगा, ये श्री श्याम ट्रेडर्स का एक ट्रेडमार्क हो गया। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे लिखा था राजेश कुमार ने 50,000 रुपए नगद से किराना के बिजनेस शुरू किए। तो गाइस अब किराना का बिजनेस किस टाइप का बिजनेस हो गया, अब किराना के सामान में क्या होता है, सामान खरीद के और बेचा जाता है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ये हमारा किस टाइप का बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में सामान खरीद के और बेचा जाता है। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे लिखा राजेश कुमार ने 50,000 रुपए नगद से किराना का व्यापार शुरू किया। तो गाइज आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप तो समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। गाइज अभी आप सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना भी जो भी लाइन हमने लिखी है उस लाइन के अंदर आपके किसी किराना सामान का कोई जिक्र हो रहा है, या उसमें कोई नकदी या पैसे का कोई जिक्र हो रहा है, या किसी कस्टमर या किसी दुकानदार का जिक्र हो रहा है क्या। तो गाइस जैसे हमने ये वर्डिंग लिखी राजेश कुमार ने 50,000 रुपए नगद शुरू किया, अब इसमें हमने कोई किराने सामान का नहीं जिक्र लिया, अभी हमने इस लाइन में हम कोई सामान खरीद रहे हैं सामान बेच रहे हैं,
इसके हम ये लिखा हमने नगद से व्यापार शुरू किया है, इसका मतलब क्या हुआ भी नगदी हमारी दुकान में आ रही है, मतलब हमारे व्यापार में पैसा आ रहा है। तो जब हमारे व्यापार में पैसा आता है तो रूल क्या कहता है भी जब हमारे पैसा हमारे दुकान में आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो गाइज अब इस कंडीशन के अंदर केस हमारा डेबिट हो जाएगा। अब रही बात सामान की, अब इसके अंदर किराना सामान तो है नहीं, इसका मतलब पैसा देने वाला कौन है फिर राजेश कुमार। अब देने वाले की परिभाषा क्या बोलती है, अब चाहे यहाँ पे देख लो उधार पैसा या सामान देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। हालांकि अब ये कोई राजेश हमारा कोई कस्टमर नहीं है, ये दुकान का मालिक है, प्रोपराइटर है। तो इसका मतलब देने वाला कौन है राजेश कुमार, देने वाले को क्रेडिट करेंगे। सिर्फ एक बार हम देसी भाषा के अंदर सिर्फ सी आर और डी आर समझने की कोशिश करेंगे, प्रोपराइटर क्या चीज होती है, फर्म क्या चीज होती है, क्रेडिटर डेबिटर क्या चीज होती है, इन चीजों के बारे में हम बाद में बात करें। सिर्फ अब एक सी आर और डी आर को समझते हैं अपने। तो नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी थी वे राम इंटरप्राइजेस से 35,471 रुपए का किरियाना सामान खरीदा बिल नंबर 654 से। तो गाइस इसके अंदर आपको दो ही चीज का ध्यान रखना है भी उस लाइन के अंदर सामान या पैसे का कोई जिक्र हो रहा है क्या। अब इसके अंदर हमने नगद तो नहीं खरीदा क्योंकि इसके अंदर हमने कोई नगदी का जिक्र ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये सामान खरीदा। अब सामान खरीदा है तो इसका मतलब सामान हमारी दुकान में आ रहा है। अब जब सामान हमारी दुकान में आता है तो उसका रूल हमारे क्या कहता है, चाहे आप इसको देख लो चाहे इसको देख लो। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा है जब पैसा या सामान हमारे व्यापार या दुकान में आता है तो उसको डेबिट करेंगे, चाहे आप इसकी परिभाषा भी देख लो। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, सामान हमारे व्यापार में आ रहा है तो डेबिट होता है, तो इसका मतलब सामान हमारी दुकान में आ रहा है इसको हम करेंगे डेबिट। अब इसमें कोई पैसे का तो जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये उधार है। तो उधार की कंडीशन में क्या होता है भी उधार पैसा या सामान देने वाले व्यक्ति या दुकानदार को क्रेडिट करेंगे, अब राम इंटरप्राइजेस को क्रेडिट करेंगे। गाइस हर लाइन में एक ही डीआर होता है एक ही सीआर होता है, दोनों डीआर नहीं हो सकते दोनों सीआर नहीं हो सकते, और ये भी नहीं होगा इसमें केवल सीआर ही होगा या डीआर होगा नहीं या केवल डीआर होगा सीआर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डीआर और एक सीआर मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, ये दोनों लेजर जरूर होते हैं। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी मुकेश कुमार को 2856 रुपए का किरियाना सामान बेचा। तो गाइस किरियाना सामान बेचा तो इसका मतलब सामान हमारी दुकान से जा रहे हैं। अब सामान जब हमारी दुकान से जाता है तो उसकी परिभाषा क्या होती है भी पैसा सामान अगर हमारे व्यापार से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करें, चाहे आप इस लाइन को देख लो चाहे आप इस पॉइंट को देख लो भी पैसा या सामान हमारे व्यापार से जाता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। अब सामान बेचा तो इसका मतलब हमारी फर्म से जा रहा है, हमारे व्यापार से सामान जा रहा है तो हम इसको सीआर करेंगे। अब इसमें हमने कोई नगदी का जिक्र नहीं किया, हमने ये नहीं लिखा भी नगद बेचा, इसका मतलब ये उधार है, तो उधार की कंडीशन में उधार लेने वाले को डेबिट करेंगे। अब उधार की कंडीशन का रूल क्या कहता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है भी उधार पैसा या सामान लेने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे। तो गाइस इसके अंदर हमारा केस क्लियर होगा भी उधार है या नगद है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई नगदी का जिक्र ही नहीं किया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, अब इसमें लिखा है भी रवि कुमार को 4512 रुपए का नगद किरियाना सामान बेचा। अब इसके अंदर क्या हुआ, अब इसमें देखो हमारे पैसे का और सामान का दोनों का जिक्र हो रहा है एक ही लाइन के अंदर। तो सामान बेचा है तो इसका मतलब सामान दुकान से जा रहा है, और जब सामान दुकान से जाता है तो उसकी परिभाषा क्या कहती है भी वैसा सीआर होएगा। अब इसके अंदर हमने नगद बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ पैसा हमारी दुकान में आ रहा है, और पैसा आने की कंडीशन क्या होती है जब पैसा हमारे व्यापार में आ रहा है तो उसको डीआर करेंगे। अब इस कंडीशन में हमारे पास ये नगदी डेबिट। अब इस कंडीशन के अंदर रवि कुमार का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि इसने हमारे को 4512 रुपए नगद दिए और सामान ले दिए, इसका मतलब हमारी दुकान से सामान गया और पैसा आ गया। अगर यहाँ पे नगद का जिक्र नहीं होता तो हम रवि कुमार को डेबिट करते क्योंकि रवि कुमार हमारे से उधार लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी भी 3440 रुपए का नगद किरियाना सामान बेचा बिल नंबर 3 से। तो क्या इसके अंदर भी सेम वही कहानी, अब किरियाना सामान बेचा तो अभी ये चीज देख लो हमारी सेल हुई है, तो सेल की कंडीशन में सामान हमारी दुकान से जाता है, और जब सामान हमारी दुकान से जाता है तो उसको हमें क्रेडिट करते हैं, और नगद बेचा है इसका मतलब पैसा आ रहा है, और पैसा जब आएगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी भी मुकेश कुमार से 1000 रुपए नगद प्राप्त किए। तो गाइस मुकेश कुमार से 1000 रुपए नगद प्राप्त किए। तो गाइस इसके अंदर देखो कोई सामान का जिक्र नहीं हो रहा, अभी हम सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, इसके अंदर हो रहा है भी हमारे पास पैसा आ रहा है भी नगद प्राप्त किए, इसका मतलब पैसा हमारी दुकान में आ रहा है, जब दुकान में हमारे पास पैसा आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। अब सामान का जिक्र नहीं है इसका मतलब फिर देने वाला कौन है मुकेश कुमार, देने वाले कंडीशन में उसको सी आर। अब यहाँ पर भी इसी रूल को देख लो भी पैसा या सामान हमारे व्यापार में आता है तो उसको डेबिट करेंगे, फिर उधार पैसा या सामान देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री थी भी राम इंटरप्राइजेस को 2000 रुपए का नगद भुगतान किया रसीद संख्या 1344 से।
तुम्हारे सीशन क्या क्योंकि जब हमने उसको पेमेंट दी थी 2000 रुपए की, तो उसने हमारे को अपनी उसने रसीदी राम एंटरप्राइजेस की रसीद हमको मिलेगी। अब इसमें नगद भुगतान किया, इसके अंदर भी देखो नगदी का जिक्र हो रहा है, पैसे का जिक्र हो रहा है, नगद भुगतान के इसका मतलब हमने पेमेंट करी है, पेमेंट की कंडीशन में पैसा हमारी दुकान से जाता है। और जब पैसा हमारी दुकान से जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पैसा या हमारे सामान से अगर व्यापार से जा रहा है तो उसको सीआर करेंगे। तो अब इसमें सामान का जिक्र नहीं, इसका भुगतान किया भुगतान को फिर लेने वाले को डीआर करेंगे। अब इसका रूल देख लो भी, उधार पैसा या सामान लेने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे। तो गाइस ये थी हमारी सीआर डीआर की कहानी। अगर आपको इसी वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें भेजी से कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो गाइस ये हमारा था जो हमने डेबिट क्रेडिट निकाला था भी सारा ये। तो गाइज आप अच्छी तरीके इसको खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, आप जिस ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं उसी टाइप के एग्जांपल आप खुद अपने एक कॉपी पेन डायरी एक पर लगा दीजिए, आप उस खुद उसके ऊपर ट्राई करके दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा खुद आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज की तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आप क्रेडिट और डेबिट का जिक्र करता रहूंगा जब तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइज आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जो हमने इन वाउचर से या जो हमने लाइनें लिखी है इनके ओरिजिनल वाउचर तैयार करेंगे, और इन्हीं ओरिजिनल वाउचर के आधार पर इनकी जर्नल एंट्रियां भी तैयार करेंगे, और उसके बाद उनके लेजर क्रिएट करेंगे, फिर उनका ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे, फिर उनका भी ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो गाइज अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा।